ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2019 की जजमेंट में बताया गया कि अगर वाइफ चाहे तो अपना क्लेम जो है वो गिव अप कर सकती है अगर उसके पास सोर्सेज हैं खुद को मेंटेन करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि बहुत सी कोर्ट्स की जजमेंट हैं जहां पर कोर्ट्स ने बताया कि एक जो वाइफ का राइट है मेंटेनेंस का हस्बैंड से जो वो लेती हैं वो लाइफ टाइम तक क्लेम कर सकती हैं अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं खुद को मेंटेन करने के। केरला हाई कोर्ट ने इसके अंदर टिप्पणी करते हुए कहा, उन्होंने बताया कि वाइफ को से अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करवाया जाता है एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स तो वो एग्रीमेंट लॉ की नज़र में वॉइड है, यानी कि उसको ज़ीरो माना जाएगा। इसी तरह से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट के अंदर बताया कि अगर ऐसा पाया जाता है कि हस्बैंड निगलेक्ट है और अपनी ड्यूटी जो है उसकी मेंटेनेंस की वो प्रॉपरली पे नहीं कर रहा तो वो कोर्ट के अंदर वाइफ जो है एक एप्लीकेशन लगा सकती हैं कि ये इस तरह की मेंटेनेंस जो है उनको नहीं मिल रही है। और ये जो है एक स्टैट्यूटरी राइट है, एक लॉ जो है राइट प्रोवाइड करता है एक वाइफ को, और वो उनसे मेंटेनेंस जो है हस्बैंड से ले सकती हैं। इसी तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट के अंदर कहा, अगर वाइफ शुरू में डाइवोर्स के टाइम अगर मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर रही है, अपना राइट गिव अप कर रही हैं, तो वो चाहे तो उस राइट को फ्यूचर में भी क्लेम कर सकती हैं क्योंकि ये उन्हें राइट कानून देता है। देखिए, वाइफ के अंदर डेफिनेशन के अंदर डाइवोर्स्ड वुमेन इंक्लूड हैं जिनकी दोबारा से जिन्होंने शादी नहीं की है। इतना ही नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर वाइफ चाहे तो हस्बैंड से सेपरेट रहकर भी अपना जो है मेंटेनेंस जो है वो ले सकती है। सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बताता है कि वाइफ अगर चाहे तो हस्बैंड से पूरी लाइफ टाइम तक जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्या कुछ राइट्स हैं मेंटेनेंस को लेकर। थैंक यू सो मच।